अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। दोस्तों, अगर आप मेरी चैनल पे पहली मर्तबा आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। दोस्तों, आज की टॉपिक बहुत अच्छी होने वाली है। आप स्टार्ट टू एंड वीडियो देखें तो आपको एक नई मालूमात हासिल होगी। हमने सुना है कि नर मच्छर के बजाय मादा मच्छर ही हमें काटती है, क्यों, इसकी क्या वजह है? जी हाँ, ये आपने या हमने बिल्कुल सही सुना कि नर मच्छर की बजाय मादा मच्छर ही हमें काटती है। एक्चुअली में खून मच्छर ख़ानदान की बेसिक खुराक है ही नहीं, उसकी बुनियादी खुराक नेक्टर जूस है जो कि पौधों से, ख़ास तौर से फूलों से हासिल हो जाती है। तो चूँकि नर और मादा अपनी एनर्जी को पूरा करने के लिए, अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए तो नेक्टर जूस का सहारा ले लेती है, लेकिन फिर क्या वजह है कि नर मच्छर के बजाय मादा मच्छर हमारे जिस्मों पे बैठ के हमारी खूनों को चूसती है? तो इसकी वजह यह है कि नर मच्छर तो अपनी एनर्जी को इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल कर लेती है, लेकिन मादा मच्छर चूँकि अपनी एनर्जी तो इस्तेमाल अंडों के लिए जिस प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है उसको हमारे और आपके खून से ही हासिल हो सकता है। तो यही वजह है कि नर मच्छर के बजाय हमारे जिस्म पे मादा मच्छर बैठ करके अपनी एनर्जी को इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि उस अंडे के इस्तेमाल के लिए जिसके लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है, उस अंडे के लिए हमारे खूनों को चूसते हैं। तो दोस्तों, यही वजह है कि बजाय नर मच्छर के मादा मच्छर ही हमें काटती है। दोस्तों, आज की ये नई मालूमात मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी और नई मालूमात हासिल हुई होगी और आपके इल्म में इजाफा भी हुआ होगा। अगर आप मेरी चैनल पर पहली मर्तबा आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक अलग वीडियो के साथ, नई वीडियो के साथ, नई मालूमात के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।